हाय एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और मैं भी यहाँ एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आयरलैंड आने के बाद एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन के लिए आपको अप्लाई करना है जल्द से जल्द। और वैसे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप जाके देखोगे मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ तो मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अपलोड करी हैं वीडियोज़। बट कोई नहीं, मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा फिर से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको अप्लाई करना है आने के तुरंत बाद। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है सिम कार्ड की। तो यहाँ आकर आपको आयरिश नंबर चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपसे वो नंबर पूछेंगे और वो नंबर आयरिश नंबर ही होना चाहिए। आप सिम कार्ड कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर टॉप ब्रांड्स की बात करूँ तो यहाँ पर वोडाफोन, एयर और थ्री काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं फॉर सिम कार्ड। और इनके फिर एक्सपेंसिव भी होंगे क्योंकि बड़े ब्रांड्स हैं, और बाकी छोटे मोटे ब्रांड्स भी होते हैं, गोमो हो गया, जैसे टेस्को हो गया। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से मेंशन कर दूंगा, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर आप सिम बाय कर सकते हैं या फिर फिज़िकली स्टोर में विजिट करके भी ले सकते हैं, आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है सिम। और आपको सिम कार्ड के लिए आपका वो पासपोर्ट देखेंगे मेन डॉक्यूमेंट, तो पासपोर्ट लेकर जाना। और आपका शायद ऑफ़र, कॉलेज ऑफ़र लेटर भी देख सकते हैं अगर आप स्टूडेंट ऑफ़र अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट लेंगे तो आपका मंथली रिचार्ज थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो स्टूडेंट डील भी आप पूछना हर स्टोर पे, हर सिम कार्ड कंपनी से जाकर। मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो मेरा वोडाफोन का मैं यूज़ करता हूँ, और वो वोडाफोन का मेरा है 20 यूरोज़ पर मंथ, एक्सपेंसिव है। तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत लेना, बाकी सिम आप ले सकते हो, वो 10 या 12 यूरो पर मंथ पड़ेगा अनलिमिटेड। सेकंड चीज़, आप लीव कार्ड के लिए अप्लाई कर देना, और लीव कार्ड के लिए वो फिर से आपका स्टूडेंट का ऑफ़र लेटर देखेंगे और आपको कोई वो कोड भेजेंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे तो वो कोड आपको अपने कॉलेज में जाकर दिखाना है जहाँ से आपको फिज़िकल कार्ड, लीव कार्ड मिल जाएगा, या फिर कोई ऑफिशियल स्टोर्स भी होते हैं लीव कार्ड वालों के, तो आप वहाँ से भी वो लीव कार्ड ले सकते हैं। तो सेकेंड चीज़, आप लीव कार्ड बनवा लेना अपना। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है यहाँ आने के बाद वो है अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना। और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको लगेंगे आपका पासपोर्ट, आपकी एड्रेस प्रूफ और आपका स्टूडेंट प्रूफ। तो ये चीज़ जो है, जब आपका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो जाए, जब आपको अपनी स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल जाए, रोल नंबर मिल जाए, उसके बाद ये चीज़ करना। और इसके लिए स्टूडेंट प्रूफ के लिए आपका आईडी कार्ड लग जाएगा, और एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आप किसी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, कॉलेज अकोमोडेशन या फिर कोई प्राइवेट अकोमोडेशन, तो वहाँ पे आपको आपके नाम का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट एज एड्रेस प्रूफ दिखा सकते हैं। अगर आप मेरी तरह किसी आयरिश फैमिली के साथ रह रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो मैंने क्या किया था, अपने कॉलेज वालों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को लेटर दे दो, मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को अपने लेटर, कॉलेज के लेटर हेड पे वो मेंशन करके दे दिया था मेरे नाम का, कि मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ आयरलैंड में। और वो लेटर वगैरह जो आप रिक्वेस्ट करते हैं वो उसके बाद ही मिलेंगे, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जब आप ऑफिशियली रजिस्टर हो जाएंगे कॉलेज में। तो ये चीज़ है। फोर्थ चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको अपना पीपीएस नंबर चाहिए और पीपीएस कार्ड चाहिए, फिज़िकल कार्ड। तो पीपीएस नंबर, जैसा आपने मेरी वीडियोज़ में पहले भी सुना होगा या फिर आपने औरों की वीडियोज़ भी देखी होंगी, तो पीपीएस नंबर काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी काम करते हैं, तो आपका मैनेजर जो होता है या फिर जो एचआर होता है, वो आपको पीपीएस नंबर देखता है, और वो पीपीएस जो है आपके ऑनलाइन लिंक्ड रहता है, जिस पे आपके सारी जॉब्स की डिटेल होती है, आप कितना कमा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो सारी डिटेल ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर होती है। तो वो पीपीएस नंबर काफ़ी ज़रूरी है, आपका टैक्स ना कटे एज अ स्टूडेंट अगर आप 20 इयर्स काम कर रहे हैं, इसलिए पीपीएस नंबर ज़रूरी है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर लेना। अगेन आपके डॉक्यूमेंट्स वही सब लगेंगे, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, स्टूडेंट प्रूफ, और बस यही है, पीपीएस बनवा लेना और जॉब करना फिर पार्ट टाइम बिना टैक्स डिडक्शंस के। पांचवी और आखिरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आईआरपी कार्ड, आयरिश रेजिडेंसी परमिट। और इस साल से उसका प्रोसेस हो चुका है चेंज, 8 जुलाई 2024 से ये लागू हो चुका है। तो आपने जैसे मेरी पिछली वीडियोस में देखा हो, स्टैम्प 1G वाली वीडियो या फिर आईआरपी वाली वीडियो में, उसमें मैंने दिखाया था कि आपको ईमेल डालनी पड़ती है गार्डा ऑफिस को अगर आप डबलिन के बाहर रह रहे हैं। तो ये रूल जब से चेंज हुआ है 8 तारीख से, तब से फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वालों को, अगर आप कॉर्क में रह रहे हैं, लिमरिक में रह रहे हैं, डबलिन में रह रहे हैं और 2-3 और काउंटीज़ हैं वहाँ रह रहे हैं, तो आपको उनको कॉल करनी है एक नंबर पे,
और वो फिर आपको डबलिन में जाना है उस गाड़ा ऑफिस में या पासपोर्ट ऑफिस में, पता नहीं, उसका एड्रेस वगैरह सब नीचे दे दूंगा। और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपको रीड करनी हो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ही करेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आयरलैंड में आ रहे हैं, तो आप सबको डबलिन विज़िट करना पड़ेगा एक बार। बस वो चीज़ करने के बाद जब आप अगले साल, जब आपको एक साल हो जाएगा, तो आप जब रिन्यू करवाएंगे अपना स्टूडेंट वीज़ा, मतलब स्टैम्प 1G में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर ऑनलाइन प्रोसेस ही रहेगा, वो आपको फिज़िकली कहीं विज़िट नहीं करना। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मतलब हमारे लिए तो अच्छी है क्योंकि अब मेरे को नहीं जाना फिज़िकली कॉर्क गाड़ा ऑफिस स्टेशन में। तो ये चीज़ है, फर्स्ट टाइम वालों के लिए दिक्कत है अगर आप डबलिन के बाहर हैं, तो एक चीज़ नहीं आई है ये आपको याद रखना। और पढ़ना हो कुछ इसके बारे में और तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना, मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टेप्स कैसे होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उन सब की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप देख लेना अच्छे से आराम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी पढ़ लेना, उसमें भी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी होती हैं। और यही था इस वीडियो में आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो कि आयरलैंड में आकर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस ऑर्डर में चाहिए। बाकी आपके कोई भी और डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, तो आप ज़रूर मेरे को रीच आउट करें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ। और जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसकी आप वीडियोज़ देख लिया करो, सेम चीज़ मत पूछा करो, बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी ऑल द बेस्ट यार जो भी आ रहे हैं आयरलैंड में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।